व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन, होप यू आर फाइन। तो गाइस, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर के बारे में, कुछ फीचर्स और उसका जो वायरिंग है वो आपको कैसे करना है, ओके। और उसके बारे में जो एनकोडर की वायरिंग होती है, मतलब पीपीएम जो आपका एस बस और नॉर्मल कौन सा भी होता है, उससे आपको जो है पीपीएम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो इसके बारे में आपको जो है सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो आपको जो है पूरी तरीके से देखनी है गाइस, ओके। तो इसके वीडियो जो है पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो पूरी तरीके से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये जो सारा पूरा फ्लाइट कंट्रोलर बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में खरीदना है तो आपको जो है ये हमारी वेबसाइट पर बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में आपको ये फ्लाइट कंट्रोल अवेलेबल हो जाएगा विद फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। तो आपको जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी, आप उस लिंक से जो है इस फ्लाइट कंट्रोलर को बहुत अच्छे तरीके से परचेस कर सकते हो, बहुत ही चीप प्राइस में परचेस कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है हमारा पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो इसके अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा पिक्सॉक फ्लाइट कंट्रोलर के फीचर्स के बारे में, ओके। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके साथ में आपको जो है कुछ LEDs वगैरह स्विचेस मिल जाएंगे। तो आपको बेसिकली करना क्या है गाइस, आपको जो है इसके साथ में जो बजर मिलेगा, तो बजर को है आपको बजर पोर्ट में डाल देना है यहाँ पे, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बजर पोर्ट है यहाँ पे, तो आपको बेसिकली जो बजर पोर्ट में आपको जो है बजर लगा देना है। देन गाइस, अगर हम बात करें सेफ्टी स्विच की, तो उसके ही नीचे आपको जो है स्विच भी ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो है वो स्विच भी आपको डाल देना है, ओके। तो ये जो है हमने जो बेसिक जो इसके जो कनेक्शन होते हैं वो कर दिया है गाइस। अब बात करते हैं इसकी जो है इनपुट और आउटपुट पिन की। अगर हम SD कार्ड की बात करें तो ये जो है हमारा यहाँ पे SD कार्ड है गाइस, देख सकते हैं, ये भी फ्लाइट कंट्रोलर के साथ मिलेगा। और मेमोरी कार्ड की बात करें तो ये जो है आपको ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होगा फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड में, ये जो है हमारा मेमोरी कार्ड, ओके, 4GB का आपको मिलेगा, ओके गाइस। तो आप यहाँ पे देखो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड पे, अगर आप फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड पे यहाँ पे ध्यान से देखो, आप देख सकते हो आपको जो है एक USB पोर्ट देखने को मिलेगा गाइस। आप देख सकते हैं ये जो USB पोर्ट है, तो बहुत सारे लोग जो है इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस कि जो है USB हमें इस तरीके की USB हमें कहाँ मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये जो पोर्ट है, एक दो पोर्ट है, एक ये USB और एक जो है हमारा नॉर्मल जो USB पोर्ट होता है ये वाला USB, ओके। देन गाइस, अगर हम बात करें पावर की, तो आपको जो है अगर इसके साथ में पावर मॉड्यूल खरीदा होगा तो आपको जो है यहाँ पे अपना जो पावर मॉड्यूल है वो आपको लगा देना है, ओके। उसके बाद में हम बात करें इसके GPS की, तो आपको जो है इसका जो GPS होगा, आपको ये जो GPS जो पोर्ट है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे GPS, ओके, तो GPS में आपको लगा देना है गाइस, ओके। देन उसके साथ में आपको जो है कंपस मिलेगा गाइस, 12IC नाम का कंपस, तो आपको जो है यहाँ पे लगा देना है, आप देख सकते हैं आई टू सी नाम में आपको जो है अपना GPS का I2C पोर्ट लगा देना है, मतलब जो कंपास का जो वायर होगी वो लगा देनी गाइस, ओके। तो ये जो बेसिक कनेक्शंस हो गए, ये बहुत ही सिंपल है। लेकिन बात करें अगर हम आउटपुट की, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेकर 8 तक यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। मेन आउटपुट मतलब हमारे यहाँ मेन आउटपुट पर हमें जो ESC है वो हमें कनेक्ट करने होते हैं मेन आउटपुट पे। आप यहाँ देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो है मेन आउटपुट 1 2 3 4 5 6 अंटिल 8 तक है, मतलब आप जो इसे 8 ESC कनेक्ट कर सकते हो, जो कि ऑक्टोकॉप्टर में होता है गाइस, आप क्वाडकॉप्टर ऑक्टोकॉप्टर बना सकते हो। देन गाइस, इसकी जो ऑक्स पोर्ट होते हैं, अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो है हमारे ESC का यहाँ पे जो है हमें रिसीवर कनेक्ट करना है, तो ये ऐसा नहीं गाइस, आपको जो यहाँ पे रिसीवर नहीं कनेक्ट करना है, जो ऑक्स पोर्ट होते हैं वो इसके लिए होके गाइस, ओके। मतलब एप्लीकेशन बेस्ड जो पोर्ट होते हैं, जैसे कि अगर आपको अपने ड्रोन में सर्वो चलाना है तो सर्वो का कोई यूज़ हुआ है तो आप सर्वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइस, अगर हम रिसीवर की बात करें, तो आपको जो है रिसीवर में आपको बस एक ही पिन देखने को मिलेगी, ये जो फर्स्ट वाली जो पिन है आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट वाली ये रिसीवर की पिन है गाइस, ओके। तो सबसे पहले गाइस, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन थे कि अब जो है हम अपना जो रिसीवर इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ गाइस। लेकिन उससे पहले बता दूँ आपको, ये जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है इसे जो है PPM इनपुट लगता है। और PPM इनपुट क्या है गाइस, ये जो रिसीवर का एक टाइप होता है गाइस, जिसकी मदद से आप जो है सारे चैनल, जितने भी चैनल्स आप कंट्रोल कर रहे हो अपने रिमोट से, मतलब अगर आपका रिमोट 6 चैनल हो तो वो सारे के सारे 6 चैनल को आप जो है एक चैनल में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। मतलब सारा 6 चैनल मिला के आप जो है एक चैनल बना सकते हो, तो इस तरीके के जो आपको यहाँ पे लगते हैं, ओके। तो गाइस, अब नॉर्मल बात करेंगे, अगर इसे PPM लगता है जो है हमारा जो मतलब जो
इसका जो इनपुट का जो ये है आपका जो है PPM है, तो इसीलिए जो है बहुत सारे जो लोगों का जो रिमोट कंट्रोल होता है, जैसे कि हो गया FlySky CT6B हो गया, FlySky i6 हो गया, देन दूसरे ट्रांसमीटर हो गए, तो उसमें जो है PPM का ऑप्शन नहीं मिलता, तो उस जो ट्रांसमीटर है तो आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो इसीलिए आपको जो एक डिवाइस लगेगा जो कि फ्लाइट कंट्रोल के साथ में ही आता है। अगर आप हमारी वेबसाइट से परचेस करो तो आपको इसके साथ में मिलेगा, अगर आप दूसरी वेबसाइट से परचेस करो तो आपको जो है अलग से ख़रीदना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास जो है एक PPM एनकोडर है गाइस, इसे एनकोडर कहते हैं। बेसिकली ये करता है गाइस, अपने जो नॉर्मल रिसीवर के कनेक्शन होते हैं वो लेता है और इसे कन्वर्ट करके जो PPM है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो बेसिकली आपको करना क्या है गाइस, अपना जो PPM एनकोडर है, PPM एनकोडर के साथ में आपको जो है कुछ केबल्स मिल जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो PPM एनकोडर साथ में कुछ केबल्स मिलेंगी, तो आपको करना क्या है, बस बड़ी वाली जो केबल है आपको जो है कुछ इस तरीके से लगा देनी है। ओके, आप ऐसा लगाना चाहे तो ये जाएगी नहीं अंदर, आपको जो है ऐसे ही लगानी है। ओके, तो एक बार अगर ये केबल यहाँ पर लग जाए और दूसरी जो छोटा वाला पॉट है हमें यहाँ पर जो है हमारी दूसरी वाली PPM की जो आउटपुट की केबल है वो लगा देनी है गाइस। ओके, ये जो केबल हो गई। ओके, तो ये जो नॉर्मल कनेक्शंस हो गए, तो हमें क्या करना है गाइस, अगर हम ये जो पॉट है आप यहाँ पे देख सकते हो RC IN लिखा हुआ है, RC IN, ये जो अभी फोकस नहीं कर रहा, 2 मिनट वेट कीजिएगा गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस RC IN नाम का ऑप्शन है, ये जो है RC IN। ओके, तो ये जो पहला वाला जो पिन है आप देख सकते हो, ये जो पहला वाला पिन है, एक नंबर वाला पहला वाला RC IN का पहला वाला पिन आपको जो है हमारा आपका जो रिसीवर वो कनेक्ट करना है। तो वो कनेक्ट करने से पहले आप जान ले गाइस, जो APM जो पिक्सॉक जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है उसके जो नीचे वाले जो सारे पिन से गाइस वो होते हैं सिग्नल पिन्स। ओके, नीचे वाले सारे और ऊपर वाले सारे ब्लैक, तो इसका मतलब आपका जो है आप ESC कनेक्ट करो या रिसीवर कनेक्ट करो, आपको जो है वाइट वाली पिन है जो सिग्नल पिन होती है वो आपको नीचे वाले डायरेक्शन में ही रखनी है। ओके, आपको एक बार मैं बता दूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है RC IN में इसे कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले आपको जो रिसीवर की जो सिग्नल पिन होगी वो नीचे की साइड में होगी। ओके, क्योंकि जो इसका जो सिग्नल पिन है वो नीचे है, रेड वाली जो है वो मिडल में होगी और जो ब्लैक वाली जो होगी वो अपसाइड में होगी। ओके, ये जो रिसीवर के हमने कनेक्शन कर दिया, तो बेसिकली हमें करना क्या है गाइस, अभी आप अगर यहाँ पे देखें, ओके, तो ये जो वायर्स है हमें हमारे रिसीवर में कनेक्ट करनी है। तो गाइस बेसिकली हम ज़्यादातर हमें जो है हम 6 चैनल ही यूज़ करते हैं, तो जो है हमें 6G पिन जो पिन 6 होती है वही यूज़ करनी होगी। ओके, तो उससे पहले आप इधर अगर आप बैक में देखें एनकोडर के, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी उन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो ये जो पहले वाले जो 3 पिन है गाइस, आपका पहला वाला चैनल, ओके, ये जो है आपका पहला वाला चैनल, हमें पावर बस एक ही बार लेनी होती है ना, ये जो पिन है पहली वाली अपनी चैनल नंबर फर्स्ट में लगानी है। आप ये देख सकते हो, ये आप इधर देख ही सकते हो जो चैनल नंबर IN1 है, IN1 लिखा हुआ है, IN1 IN मतलब IN और जो है 1, ओके, मतलब आपका जो है ये जो है आपको चैनल नंबर फर्स्ट में पिन लगा देनी है। ओके, इस तरीके जो पिन होगी आपको चैनल नंबर फर्स्ट में लगानी है। देन गाइस अगर आप नेक्स्ट देखें सेकेंड वाला 2 IN2 देख सकते हैं, IN2 मतलब ये आपका जो है ये ऑरेंज वाला है जो आपको वो आपने रिसीवर के चैनल नंबर सेकेंड में लगा देना है सिग्नल पॉट में। ओके, हम आपने जैसे यहाँ पे देखा था पिक्सॉक में, जैसे ये जो सिग्नल पिन है, सिग्नल वाला पिन्स कौन से, ये जो डाउन वाले जो सिग्नल पिन है वो सारे सिग्नल पिन है। तो रिसीवर के भी जो सिग्नल पिन होते हैं गाइस, अगर आपके पास FlySky i6 हो तो उसके जो है ऊपर वाले जो पिन होते हैं, ऊपर वाले जिस साइड में LED होते हैं उस साइड के ऊपर वाले जो पिन होते हैं गाइस, वो जो है उस पिन में आपको जो है ये लगा देना है अपना ऑरेंज वाला चैनल नंबर सेकंड में। आप यहाँ पे देख सकते हो चैनल नंबर सेकंड वहाँ पे लिखा ही हुआ है IN2। देन गाइस IN3 है जो कि येल्लो है, आप देख सकते हो ये IN3, आप देख सकते हो IN3 मतलब ये जो येल्लो वाला पिन है आपको चैनल नंबर थर्ड में लगा देना है रिसीवर के। तो इसी तरीके से गाइस आपको जो है वो सिक्स चैनल तक जो है आपको अपने रिसीवर में कनेक्शंस कर देने हैं। ओके, तो ये जो बहुत ही बेसिक कनेक्शन है गाइस, बहुत ही सिंपल है, तो वो कोई भी कर सकता है गाइस। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो रिसीवर कनेक्ट हो जाएगा गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसकी जो है वायरिंग होगी, वायरिंग के बारे में, और जो प्रोग्रामिंग होगी प्रोग्रामिंग के बारे में। तो ये जो एक बेसिक सिंपल सा वीडियो था,
तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम जिसकी जो वायरिंग है, जो सारी प्रोग्रामिंग वगैरह होगी, वायरिंग वगैरह, उसकी वीडियो में आपको जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ओके, तो ये जो सब बेसिक वीडियो था, तो नेक्स्ट वीडियो में आने तक जो है आपको वेट करना होगा। ओके, तो अगर इससे पहले आपको एक बात बता दो, अगर आपको ये फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड खरीदना है तो आप जो है हमारी वेबसाइट से बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में इस फ्लाइट कंट्रोल बोर्ड को परचेस कर सकते हो विथ ऑल ओवर शिपिंग, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ओके, तो बहुत ही कम प्राइस में आपको जो है फ्लाइट कंट्रोल अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट। तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, आप वहाँ से जो है फ्लाइट कंट्रोल परचेस कर सकते हैं बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।